तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, जिसमें कि बताया गया है कि जो आपकी भर्ती थी हरियाणा में होने वाली भर्ती, जिसमें कि आपके रोहतक, झज्जर, सोनीपत इन ज़िलों की जो भर्ती होने वाली थी, 5वां महीना 3 तारीख से जो भर्ती होने वाली थी भाई, ये है पोस्टपोन हो चुकी है भाई कोरोना वायरस सारे इसके कारण। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, यह स्क्रीनशॉट हमने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जिसमें बताया गया है कि जो कोरोना वायरस के कारण आपकी भर्ती है पोस्टपोन हो चुकी है। ड्यू टू द प्रेवलिंग कोविड-19 सिचुएशन, रिक्रूटमेंट रैली प्लान विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अप्रैल 2021 टू 31 मई 2021 आर हेयर बाय पोस्टपोन। फ्रेश डेट विल बी इनिशिएटेड लेटर। जो आपकी फ्रेश डेट है वो आपको बता दी जाएंगी इसी चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो आपकी भर्ती होने वाली थी भाई मई के महीने में, ठीक है, 20 अप्रैल से 31 मई के बीच में जो भी आपकी भर्ती होने वाली थी, जिन भी राज्यों में भर्ती होने वाली थी भाई, वो जो है पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक है। और फ्रेश डेट जो आपकी बता दी जाएगी, कुछ जैसे ही गाइडलाइंस आती हैं तो आपको फ्रेश डेट बता दी जाएगी। और ये रोहतक जो भाई भर्ती होने वाली थी उसका नोटिफिकेशन आया रोहतक ARO से। सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि रोहतक में जो भर्ती 3 मई से 20 मई तक होनी थी कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी गई है। और दोस्तों इसमें बता दें आपको, जो इसका पंजीकरण था वो 17 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट थी। और भर्ती रैली के लिए सोल्जर जनरल ड्यूटी और क्लर्क SKT श्रेणी के लिए पंजीकरण फिर से नहीं खुलेगा। यानी कि जो दोस्त पंजीकरण से वंचित रह गए हैं उनका पंजीकरण अब दोबारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि पंजीकरण जो है दोबारा से नहीं खुलेगा, रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन नहीं होंगे। अब तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हो चुका है, बाकी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बाकी जो भी इसका बारे में कोई भी नई डेट रिलीज होती है मैं आपको बता दूंगा तुरंत, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप इंडियन आर्मी की हर एक जानकारी से अपडेट रहे। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन भी दोस्तों का जो है एग्ज़ाम था, पेपर था, CE पेपर था जो 25 अप्रैल को होने वाला है, वो भी जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 अप्रैल 2021 फॉर सोल्जर GD या फिर वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए जो भी पेपर था, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेडमैन, 10th पास 8th पास, इनके लिए इनका जो भी पेपर था वो भी कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। और जो इसकी भी है फ्रेश डेट आपको बता दी जाएगी जैसे। और इसके अलावा दोस्तों जो अपनी यमुनानगर में जो है भर्ती होने वाली है भाई, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, इन जिलों की जो भर्ती होने वाली है भाई जून में होने वाली है, इसके भी जो है 50-50 चांस है यह भर्ती भी पोस्टपोन हो सकती है। और तो जैसे ही इस भर्ती के जो भी डेट आएंगी तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। वैसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि जून में जो है हालात सुधर जाए और जो यमुनानगर में होने वाली भर्ती है भाई वो कंडक्ट हो जाए, क्योंकि जो हमारे युवा साथी भाई पिछले 1.5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, अगर जून वाली भर्ती भी पोस्टपोन हो जाती है तो हमारे युवा साथियों को हौसला जो है काफ़ी गिरावट आएगी हौसले में, जिससे कि कई युवा साथी तो जो है गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो आशा करते हैं जून में होने वाली भर्ती जो है पोस्टपोन ना हो, वो कंडक्ट करा ली जाए।